हाँ जी बोलिए, आपका नाम? मेरा नाम गुलाब हसैन जी, मैं ठंग का रहने वाला है। ठंग? मैं ठंग, हमारा गांव का नाम है ठंग जी। फिर इंडिया का लार्ज गांव है जी, सबसे पॉल्यूटेड लैंड ठंग गांव का है जी। फिर मैं सन 1971 में, हम 19 साल पाकिस्तान में रहा जी। अभी इंडिया में आकर हमको 51 साल हो रहा है, टोटल मेरे को 70 साल है जी। अच्छा। फिर सन 1971 में ये चार गाँव जो था पाकिस्तान का अंदर था मैडम जी, चुलुंगा एक, तुर्तुक दो, 83 था चार है। ये चार गाँव जो है सन 1971 का पहले पाकिस्तान का कब्जे में था। फिर सन 1971 में पहले लड़ाई हो गया बांग्लादेश से, बांग्लादेश में इंडिया पाकिस्तान बहुत लड़ा है जी। इसके बाद बांग्लादेश अपना जो पाकिस्तान के पास जो था वही अपना इंडिया ने छीन लिया जी। फिर बांग्लादेश आज़ाद कर दिया, 96,000 जो है पाकिस्तान का फौज पकड़ा था बांग्लादेश ने। फिर कमज़ोर हो गया, छोटा मुल्क था। फिर बोधा गाँव जो है अपना इंडिया का कब्जे में था। बोधा गाँव से आकर एक चुलुंगा बोर्ड का लंबा सा गाँव है जी, आपको देख लिया होगा, वही अपना पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का फौज था। फिर बांग्लादेश के बाद इधर लड़ाई शुरू हो गई। फिर हमको बहुत दूर था जी, 22-23 किलोमीटर है, हमको लड़ाई हो रहा बोल कर सुनते आया, हमको भेड़ झेड़ का हुआ कोई नहीं सुना, सिर्फ 2-3 फेरे चल गया। फिर पाकिस्तान का फौज भागना शुरू हो गया जी, अपने इंडिया का फौज पीछे आते आते चार गांव आज़ाद किए जी, चुलुंगा एक, ओके, तुर्तुक दो, 83 था, ये चार गांव जो है सन 1971 में पाकिस्तान का कब्जे में था, इंडिया के कब्जे में आ गया। हाँ, फिर अपने इंडिया ने आज़ाद कर लिया। फिर हमारा ठंग का जी, हम ये गांव जो है आपको देख रहे हैं, सुबह सुबह देख रहे जी, यही लाज गांव, ये इस तरह बोला आपको सुबह सुबह देख रहे, वही मैं हमारा गार्ड था जी। अच्छा। मैं जो है हमारा कोई रिश्तेदार ठंग गाँव का, इनका फ्रन वालों का इधर जमीन था जी, हम लोगों का उधर से, ये एक ही था जी गाँव दोनों, वही फ्रन गाँव का नमदार का अंदर यही भी था जी, इधर था में हमारा नमदार नहीं था जी, पहले यही अंदर। फिर हम लोगों का ये, हमको 9 साल में शादी किया था मैडम जी, माँ बाप को मैं अकेला था, कोई बहन भाई कोई नहीं था। फिर 9 साल में मैं छोटा था जी, शादी करके लाया, मेरे को क्या पता है, खाना वाना पकाने के लिए लाया था जी। फिर मैं वही गांव में रहता था जी। अच्छा। ठंग गांव में मेरे को छोटा सा जमीन था जी, जमीन ज़्यादा नहीं था, उधर 10-20 हिस्से था, इधर 1 हिस्से था जी। अच्छा। फिर माँ बाप ने बोला नवम्बर में, बेटा तू जवान है, तू जाओ ठंग जाकर थोड़ा खाद पैदा कर आ, क्योंकि अभी बारिश में खेती शुरू करना है, ज़मीन को खाद क्या डालेगा, आप जाओ। पाकिस्तान के ज़माने में जो है हम गवर्नमेंट का खाद नहीं मिलता था, अपना देसी खाद लगा था। फिर मैं नवंबर में बोला, मैं हाँ बोला मेरे लिए, मैं गई लेकर आया था, मैं पहुंच गया, फोन कर 4-5 दिन रुक गया, तो 10 तारीख से लड़ाई शुरू हो जाए, हो रहा बोल कर सुनते आया जी, हमको फिर झेड़ का हुआ कोई नहीं सुना। फिर ये इंडिया का ठंग वो इंडिया में हो गया जी, हमारा माँ बाप जो है, बीबी जो है, वही मैं पास किया जी, अभी 51 साल हो रहा है जी, कोई आना जाना नहीं है। तो आपके आपके घर वाले उधर पाकिस्तान में? हाँ, वो माँ बाप तो गुजर गया जी, अभी मैं 70 हो गया साल हो गया, और आप अकेले इधर आ गए इंडिया में? अकेले इधर रहा जी। फिर 5-6 साल के बाद मैं इधर शादी किया जी, अभी अपना ठंग गाँव में इंडिया में हमको 6 लड़का 1 लड़की इधर ही है। वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, इंडिया में हम अभी, हमारा आधार कार्ड भी बन लिया जी, राशन कार्ड भी है जी। वेरी गुड। हमारा इलेक्शन कार्ड भी है जी, हम इलेक्शन भी लगाता है जी, हम बीजेपी को वोट देता है जी। क्या बात है। हमारा जो एमपी साहब है, हम गांव वाला पूरा, हम बहुत अच्छे इधर अपना एमपी को वोट दे करके हम बीजेपी खड़े गए जी। Good, हमारा good. एक कौंसुल का हुकूमत होता है जी, ले में हमारा तुर्तुक से एक बीजेपी का कौंसुला निकला और हम सब उसको वोट दे दिए जी, बीजेपी को, फूल को। फिर वो जीता करके अभी एजुटू कौंसुलर बना करके ले में घूम रहा है जी। फिर
आज वजीर आजम मोदी साहब हमको देखता है जी। हम लोगों को कोरोना की वजह से कोरोना नहीं आया, हम घरों में रहा, हमको लॉकडाउन लगा दिया, कोरोना नहीं था हमारे इलाके में, नहीं आया, नहीं है तो भी हमको पुलिस आकर हम घरों में रहा रखा। फिर वजीर आजम मोदी साहब ने हमको एक साल का फिर राशन दे दी। हमको ये बेचारा लोग घरों में तकलीफ हो जाए बोल कर एक टीवी दे दिया जी, एपीएल बीपीएल वालों को। फिर ये पहले अभी पहले जमाने में देता था कि वो खा खा कर काम को अपना हक नहीं पहुंचता था। अभी मोदी साहब जो आवाम को 9000 दे रहा है बीपीएल वालों को, ये कितना दे रहा है, दिल्ली से बटन दबाता है कि अपना अपना हक आवाम को अपना अकवान में पहुंच जाता है। वेरी गुड, किसी को खाने के लिए मौका नहीं है। वेरी गुड, इंडिया आके खुश है आप? हाँ जी। फिर पहले आप जैसे अमीर को भी फूल राशन था, हम जैसे गरीब को भी फूल 800-900 लेता था राशन का, आटा को बुरी को चावल को बुरी को। आजकल वजीर आजम साहब ने क्या दिया, गरीब और अमीर अलग कर दिया, हम लोगों को बीपीएल कर दिया, अमीर वालों को एपीएल कर दिया। हम लोगों को 500 रुपये में आटा का एक बुरी चावल का एक बुरी मिल रहा है। आप लोग जैसे अमीर लोगों को फूल रेट में 1900 लेता है। हाँ जी, अब फिर गरीब को देखने वाला है जी वजीर आजम। वेरी गुड, फिर ये बोलेंगे आप जय हिंद भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।